أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको शबे बरात के नफल बताऊंगी। 14 रकत नफल। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं शुबान की 15वीं रात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने 14 रकत नमाज अदा फरमाई है। फिर आपने बैठकर सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास 14-14 बार पढ़ी। फिर आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़कर आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है, लकद जाकुम रसूलुन मिन انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم। सूरत तौबा की ये आयत पढ़ें और इससे फारग होकर, ये सूरत तौबा की आयत है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली, जो ऐसा अमल करेगा जैसा कि मैंने किया तो उस शख्स को 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। 4 रकत नफल। जो शख्स इस रात को 4 रकत नफल पढ़ेगा और 2 दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। 8 रकत नफल। जो शख्स 8 रकत नफल पढ़ेगा और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 11-11 बार सूरत इखलास पढ़े, फिर इसका सवाब सैयदना फातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की रूह को बख्शे, तो उसके मतलक हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जन्नत में उस वक्त तक कदम ना रखूँगी जब तक उसकी शफात ना कर लूँ। सुबहान अल्लाह। 12 रकत नफल। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 12 रकत नफल पढ़े और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 बार सूरत इखलास पढ़ी, तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसकी उम्र में बरकत होगी। सुभान अल्लाह। 15 शुबान का रोज़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 15 शुबान का रोज़ा रखा उसे 2 साल तक के रोज़ों का सवाब होगा, एक गुज़श्ता साल के और एक आइंदा साल के रोज़ों का सवाब होगा। दुआए निसवे शुबान की फजीलत। तर्जमा। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐ एहसान करने वाले के जिस पर एहसान नहीं किया जाता, ऐ बड़ी शान और शौकत वाले, ऐ फजलो अनाम करने वाले, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू परेशान हालों का मददगार, पनाह मांगने वालों का पनाह और खौफ जदों को अमान देने वाला है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तू अपने यहाँ उम्मल किताब यानी लोहे महफूज में मुझे यानी बदबخت और महरूमी और ददकारा हुआ रिजक में तंगी दिया हुआ लिख चुका हो, तो ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपने फजल से मेरी बदबختियों, महरूमियों, जिल्लत और रिजक की तंगी को मिटा दे। ऐ अल्लाह, अपने पास उम्मल किताब में मुझे खुशबخت खुशादा रिजक दे। ऐ अल्लाह, भलाइयों की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, जितनी भी गुनाह कर लिए हैं उनको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, कि मैंने तेरी नाजिल की हुई किताब में तेरे ही भेजे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज और तर्जमानी पर फरमाया और तेरे फरमाना हक है, और खुदाया अज़्ज़ा वजल तजल्ली व अज़ीम के वसीले से जो फरमाया जिन्हें हम जानते हैं और नहीं भी जानते, जबकि तू सबसे ज़्यादा जानने वाला है, बेशक तो सबसे बढ़कर अज़ीज़ है और इज़्ज़त वाला है। अल्लाह, हमारे सरवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और सब खूबियां सब जहानों को पालने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही है। बेशक अपने प्यारे महबूब के सदक़े, इस बाबरकत रात के सदक़े, या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, हम सब की बख्शिश फरमा, आइंदा गुनाहों से तौबा करने की तौफीक और नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि जो कोई भी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद यानी कि फ़र्ज और सुनत अदा करने के बाद 6 रकअत नफल इस तरह अदा करे कि पहली जो रकअत होगी उसमें यह नियत करे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उसको उम्र खैर अता फरमाए। उसके बाद की जो 2 रुकते हैं उसकी नियत यह होगी कि अल्लाह ताला उसको बलाओं से महफूज रखे, और इसकी जो बाद वाली 2 रुकते होंगी उसमें यह नियत करे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी बरकत से अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। हर 2 रुकत के बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत यानी कि सूरत इखलास आपने पूरी पढ़नी है, और उसके बाद 1 मरतबा सूरत यासिन शरीफ पढ़नी है, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लें। यह भी हो सकता है कि एक इस्लामी भाई यासिन शरीफ बुलंद आवाज़ में पढ़े और दूसरे खामोशी से सुने। इसमें यह ख्याल रखें कि दूसरा इसके दौरान ज़्यादा ज़ुबान से यासीन शरीफ के अलावा कुछ भी ना बोले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात के शुरू होते ही सवाब का इनबार लगेगा, और हर बार सूरह यासीन शरीफ के बाद दुआए निस्फ़े शुबान भी पढ़ें। गुनाहगारों पर करम। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर फैज़े बख्श फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, यह शुबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बलग कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफर अदावत रखने वाला, रिश्ता काटने वाला और टखनों से कपड़ा लटकाने वाले और वालदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। और डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।